हे प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण, प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के, कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदान। आज मैं हिंदी में ही बोलेंगी। आप सबका दिल में यही है कि न सिर्फ दादी हमारे पास आई है, परंतु बाबा हमारे पास आए हैं। दादी को देख करके बाबा ही सामने हाजिर हो जाते। तो आज हम सबको बड़ी खुशी है कि यूके से भी अपने भाई बहन कहीं आए हैं, सब तरफ से बाबा से मिलने अथवा दादी से मिलने। ये बड़ी भाग्य की बात है कि दो दादियाँ हमारे साथ हैं। बहुत ही कम ऐसे भारत से बाहर विश्व में कहाँ पर भी होता कि दो दादियों को हम साथ में मिलते हैं। तो आज थोड़े समय के लिए दोनों दादियों के साथ रूरेहान करते हैं, ठीक है दादी? मैं जानती हूँ कि सवेरे से आपसे हमने बहुत सेवाएं ली है, आपको बहुत व्यस्त रखा है, और अभी भी सब बहुत दूर दूर से आए हैं, तो थोड़ा समय भी उनको मिलेगा तो बहुत प्राप्ति हो जाएंगी। दादी, आपकी कहानी हम सब सुनते हैं, तो ये हमें पता है कि आप 9 वर्ष की आयु में ही बाबा के पास आ गए थे, और आज आपकी आयु उस हिसाब से, वैसे कहते हैं कि आयु को गिनती नहीं करना चाहिए, परंतु सब जानते हैं कि यज्ञ का इतिहास 70 वर्ष का है, तो हिसाब सामने है सबके। तो जब आप बाबा के पास आए और उस समय आपको कहा गया, बाबा ने, मम्मा ने खुद ही आपको शिक्षा दी बड़ी प्यार से, और आपको कहा कि आत्म स्थिति का अभ्यास करें, तो उस समय की आत्म स्थिति क्या थी? और आज जबकि 70 वर्ष की यात्रा करते यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आपकी आत्म स्थिति की स्थिति क्या कहेंगे? कुछ फर्क या सेम? ओम शांति। आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव तो आप सबको है ही, लेकिन हम जब पहले पहले आए तो हमें तो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि बचपन था और बचपन में इन बातों की तरफ रुचि होती नहीं है। इसीलिए हमको आत्मा परमात्मा के बारे में या देवताओं के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, न रुचि थी कि मैं इस नॉलेज को समझूं। लेकिन हमारी लौकिक माता के कारण उनकी रुचि थी कि मेरे बच्चों में से एक बच्ची परमात्मा की तरफ लग जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 4 बहनें थे। तो माता जी के कहने परमान, राय परमान, हम बाबा के पास पहुँचे। क्यों?
उस समय बाबा ने एक स्पिरिचुअल बोर्डिंग के रीति से खोला था, जिसमें हम सभी बच्चे जो थे वो 10-11 आयु तक ही थे, तो वो सभी हम इकट्ठे हुए थे वहाँ। और बाबा ने हमको यही लक्ष्य दिया, तो बच्चे तुम कौन हो? तो बाबा ने जो कहा तुम कौन हो, तो नई बात लगी ना हमको। बाबा देख तो रहा था कि बच्चे हैं, लेकिन बाबा ने जब कहा तुम कौन हो, तो सबका संकल्प चला, बाबा हम तो साधारण बच्चे हैं, ये है फलाना नाम है फलाना, जो होता है स्थूल में। लेकिन बाबा ने कहा मैं पूछता हूँ आप कौन हो? तो सभी सोच में पड़ गए। तो बाबा ने कहा देखो, दो शब्द आप यूज़ करते हो सारे दिन में, एक मैं, दूसरा मेरा। और कितने बार आप ये दो शब्द यूज़ करते हो? सभी करते ही है। तो हम लोगों ने कहा कि बाबा हम करते तो है। तो कहा मैं और मेरा एक होता है, या मैं और मेरा अलग अलग है? शब्द ही अलग है तो ज़रूर अलग ही होंगे। तो बाबा ने कहा शरीर के लिए आप क्या कहते हो, मेरा या मैं? मानो हमको सिर दर्द है, तो हम क्या कहते हैं, मैं सिर दर्द हूँ या मेरे सिर में दर्द है? मेरे सिर में दर्द कहते हैं, मैं सिर दर्द तो कहते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा शरीर तो आपका हुआ, मेरा हुआ, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन? ऐसे क्वेश्चन किया बाबा ने। तो हम सभी ने मिल के कहा मैं कहने वाला तो मेरे का मालिक हुआ, अलग भी हुआ मालिक भी हुआ। मैं कोई भी चीज़ के लिए कहती हूँ मेरा, तो मैं मालिक हूँ तभी तो मेरा कहती हूँ ना। तो बाबा ने कहा बच्चे आपको पता नहीं है, आपको पता है कि आप इस शरीर की मालिक आत्मा हो, और आत्मा आपके मस्तक में निवास करती है, और आत्मा ज्योति रूप है। ऐसे सभी आत्मा रूप है, और उस आत्मक रूप में आप देखेंगी चलेंगी तो आपको बड़ा नशा चढ़ेगा, रूहानी नशा, और बहुत खुशी होगी। और सब में आत्मा आत्मा देख करके आपकी स्थिति जो है ना, वो बहुत डबल लाइट रहेगी। कुछ भी कोई करे, लेकिन आपके मन में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आत्मक रूप में देखते। तो हम बच्चे तो थे, जो शिक्षा मिलती है पढ़ाई में भी जो शिक्षा मिलती है वो प्रैक्टिकल में की जाती है। तो हमने, बाबा ने ये लक्ष्य दिया आत्मा का, और हम लोगों को पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा ज्योति स्वरूप है, ये भी बाबा ने हमको बता दिया। तो उसमें स्थित होने से क्या होता था कि ये देह का जो आकर्षण है वो ख़त्म हो जाता था, और आत्मा निश्चय बुद्धि होने से सभी में इतना प्यार, ये भी आत्मा मैं भी आत्मा, परमात्मा की एक परमात्मा, पिता के बच्चे हम सब आत्माएं हैं, उस दृष्टि से एक दो को भी ऐसे ही देखने लगे। और हम लोग मैं आत्मा हूँ ये सोच करके, क्योंकि और तो कोई विकार विकार की बात हमारे अंदर थी नहीं, बच्चे ही थे अभी, तो इसलिए जब भी हम आत्मक रूप में बैठते थे तो बहुत अच्छा लगता था, और ऐसे लगता था जैसे शांति, आनंद, प्रेम
उसके झूले में हम झूल रहे हैं और परमात्मा के बच्चे हैं आत्मा, परमात्मा हमारा बाप है। वो स्थिति ऐसी पक्की हो गई जो हम काम काज करते हुए भी हमने देखा हम कर्म योगी रहे, अर्थात कर्म करते हुए भी मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ इसी स्मृति में रहे। तो हम 80 के करीब थे लेकिन कभी भी किसी को बॉडी कॉन्शियसनेस में न देखने के कारण 80 थे लेकिन लगता ऐसा था हम सब एक ही है, जैसे कोई भी किसी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो हमारी उस समय आत्मक स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छा चला और वो नेचुरल हो गया, जैसे खाते पीते चलते फिरते काम करते किससे बोलते बस उसी दृष्टि से देखते थे, ये भी आत्मा मैं भी आत्मा, एक बाप के बच्चे हैं। और परमात्मा क्या है उसका भी नॉलेज हमको धीरे धीरे मिला, तो परमात्मा से प्यार होने के कारण सभी से एकदम जैसे दिल का प्यार हो गया और कोई भी बात होती थी उसका इफेक्ट नहीं आता था। तो पहले शुरू शुरू में हमने वो अभ्यास शुरू किया और अभी फर्क ये है कि मैं आत्मा हूँ ये तो निश्चय है, लेकिन इस समय मुझ आत्मा को संसार के लिए भी क्या करना है वो भी लक्ष्य रहता है। उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी सृष्टि के लिए आत्माओं के लिए हमको कल्याण करना है, दुख है अशांति है, ये नॉलेज पहले शुरू शुरू में नहीं थी। सिर्फ हमको मैं आत्मा हूँ ये भी सभी आत्मा है इस लक्ष्य में रहते थे, लेकिन अभी हमको बाबा ने ये कार्य दिया है कि तुम आत्मा हो तो आत्मा जो भी विश्व की आत्माएं है वो भी तो आपके भाई है ना, एक ही पिता के बच्चे चाहे वो जाने चाहे नहीं जाने लेकिन है तो हमारे भाई बहन। इसीलिए अभी जो हम योग आत्मा रूप में बैठते हैं तो आत्मा रूप की स्मृति से जो पहले स्थिति होती थी आनंद आता था प्रेम आता था शांति आती थी वो तो है, लेकिन एडिशन ये है अभी तो हम आत्मा को अभी औरों का भी कल्याण करना है, उसी रीति से हम आत्मा इन आत्माओं को भी इमर्ज करके सकाश दाइट देते हैं माइट देते हैं, उससे फिर हमको और खुशी होती है। तो हमारे भाई जो दुखी है वो सुखी हो जाए और अनुभव करते जाए, देखा भी गया है कि इस आत्मक स्थिति से जब किसी को भी आत्मा का ज्ञान देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने जीवन में बहुत अंतर महसूस करते हैं। तो ये फर्क अभी का है। ये एक वंडरफुल बात लगती है कि बचपन में ही बाबा ने आपके अंदर ऐसे बीज डाले हैं जिससे आपकी स्थिति ही वो उसका आधार बन गया जो आज उसका प्रत्यक्ष फल हम देख रहे हैं। और हम जब भी कोशिश करते थे ना, बाबा हमको कहता जब भी बैठो अपने को एक सेकंड में बस आत्मा भवानी हो जाओ, तो हम एक दो में बच्चे थे ना तो एक दो में ग्रुप बना करके रेस करते थे, रेस नहीं रेस करते थे, तो ये कितना टाइम आत्मा अवमानी रहा, मैं कितना टाइम रही और नंबर वन कौन हुआ सेकंड नंबर कौन हुआ, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहते थे आपस में। आजकल बाबा की मुरलियों में एक विशेष योग के ऊपर शब्द आता है, मैं समझती 2-3 साल पहले बाबा ने ये कहना शुरू किया ज्वालामुखी योग, और अभी विदेश में सारे विश्व भर में ज्वालामुखी योग का प्रोग्राम चलता है। सब तरफ अमृत वेले के लिए एक विशेष पॉइंट पहले से ही भेजी जाती है
तो वो भी जो बाबा ने कहा था ना कि एक संकल्प में सब इकट्ठे आ जाए, तो पता नहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन भारत में मिली थी या नहीं, परंतु ये अभी इस तरह से चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन उठता था कि पहले बाबा हमको खास ध्यान दिलाते थे बीज रूप स्थिति, और अभी बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, तो दोनों बातों में आपका अनुभव क्या है, क्या फर्क है? बीज रूप स्थिति जो है वो भी कुछ मिलती है इससे ज्वालामुखी योग और बीज रूप की, लेकिन ज्वालामुखी योग बाबा इसीलिए कहते हैं कि जैसे ज्वाला में अग्नि में जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाती है, इसी रीति से बाबा कहते हैं कि ज्वालामुखी योग यानी लाइट हाउस माइट हाउस बन करके और सभी को ऐसी सकाश दो जो उनों के अंदर भी जो कुछ कमी हो वो परिवर्तन हो जाए, क्योंकि आजकल के संसार में मेजॉरिटी सभी यही चाहते हैं अभी विश्व का कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ये बहुत दुख बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, अभी कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन करने वाला कौन? तो बाबा ने हम लोगों को निमित्त बनाया है विश्व का परिवर्तन करने के लिए, इसीलिए बाबा आजकल ये ज्वालामुखी योग कहते हैं। तो ज्वालामुखी योग से जैसे कहा होता है कि कोई भी बीज है अगर बीज को आप आग में डाल देंगे तो बीज का जो फल है वो नहीं निकलेगा, तो ये आजकल विकारों का जो बीज है उसका फल है दुख और अशांति। अगर उस बीज को हम ज्वालामुखी योग द्वारा ख़त्म कर दें तो वो फिर दुख और अशांति का बीज पैदा ही नहीं होगा, इसी रीति से बाबा कहते हैं। तो इस ऐसी ज्वालामुखी योग करो जो ये विकारों का जो बीज है एकदम विकराल रूप ले रहा है वो भस्म हो जाए, और अपना भी अगर थोड़ा बहुत भी कोई भी विकार का अंश रहा हो जो अभी तक भी पुरुषार्थ में कभी बीच बीच में इमर्ज होता है, तो उसके लिए भी ज्वालामुखी योग से अपनी भी उन्नति होती है। जो भी कोई पुराने संस्कार ज़रा भी रहा हुआ है वो ज्वालामुखी योग से बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और अवगुण विकार के बदले जो गुणों की धारणा हो जाती है वो जैसे हम गुणों के बगीचा बन जाते हैं, गुणों का गुलदस्ता बन जाते हैं, अपने को भी फायदा है दूसरों को भी फायदा। एक मिनट में दादी से सब पर टकरा एक है आत्ममान स्थिति, तो पूरा ध्यान रखना है हमारी जो बाबा जितना कहते हैं देह मान हमारे में न हो, मैं आत्म अभिमानी यानी परमात्मा की संतान हूँ, उस नशे में स्थिति ऐसी रहे, पहली स्थिति ये बने। जो देह मान कई बार अपन को आत्मा समझ के परमात्मा की संतान हूँ वो निश्चय और नशा पहले ये पैदा हो दादी, हाँ पहले मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ। हमारे आपको क्यों असल कभी देह अभिमान के टच नहीं किया है, मैं साक्षी होकर कहती हूँ, क्यों परमात्मा ने आपको आत्मा की स्मृति दिलाई? परमात्मा ने डायरेक्ट स्मृति दिलाई तो हमारे अंदर वो परमात्मा की दिलाई हुई स्मृति समझ दिया, फिर हमने अक्ल सीखा स्मृति में रहने का। जब समझन दिया स्मृति में रहने का तो हमको देह अभिमान में आना शर्म आता है, जैसे कर्म कहा परमात्मा की संतान, परमात्मा ने कहा तुम बच्चा मेरी हो, आत्मा तुम मेरी हो,
तो देहमान में आ नहीं सकते है ना, देहमान वश कोई हमको विकार टच नहीं कर सकता है ना, कोई कमी कमजोरी हमारी आ नहीं सकती है ना। जयंती पूछो ये मतलब है ना, अंडरस्टैंड ना। तो पहले आत्ममानी स्थिति ऐसी रस भरी बैठे तो लगेगा अहंकार मरा अभिमान गया। ये तो सभी को अनुभव है ही ना, अनुभव दादी स्पष्ट आपके सामने अंडरस्टैंड क्लियर हो जाएंगी ना। फिर दादी जयंती पूछती है बीज रूप स्थिति है, बीज रूप स्थिति जयंती ठीक है, बीज रूप स्थिति हम कार्य व्यवहार में है, विस्तार में जाना आसान है, समेट के सेकंड में बीज रूप हो जाए ऐसे है, सेकंड में समेट के समेटने में बीज रूप स्थिति होगी। अगर बीज रूप स्थिति सेकंड में समेटने में नहीं हुई, विस्तार में गए, तो आत्मा मानी स्थिति नहीं होगी, परमात्मा की संतान है वो भी नहीं होगी। तो आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर आती है हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं संबंध में आते हैं, तो हमारी बीज रूप स्थिति हो जैसे मेरा बाबा है, फिर आएंगे जैसे मेरा बाबा है। कर्म करते बीज रूप स्थिति बनी रह सकती, क्या बोला? कर्म करते बीज रूप स्थिति बनी रह सकती, बीज रूप स्थिति से कर्म करेंगे ना तो आत्मानी रहेंगे, अगर कर्म करते भी हमारे को स्थिति विस्तार में चले गए, व्यर्थ संकल्पों में चले गए। स्थिति का मतलब ही है अंदर से समझा है, तो अभी मैं अगर व्यर्थ संकल्प में गई तो न रही मैं आत्मा, न रही परमात्मा की संतान। तो यही तो हमको दादी यही है ना बाबा का मतलब। आज मुझे बाबा की अच्छी लाइट दादी ने भी बताया, लाइट का क्राउन तो जैसे गिफ्ट मिल जाती है, सत्यु की डबल ताज रतन चंदा कुछ भी नहीं है उसके भेंट में, लाइट का क्राउन लगा पड़ा है, पवित्रता की निशानी लाइट का ताज। जब सत्युग में ताज तब मिलेगा जब अभी लाइट का क्राउन होगा ना। और कर्म करते अगर ये स्मृति होगी, मैं बीज की संतान हूँ, हमारा बाबा कैसा है, बाबा कैसा है, अगर होंगी तो कर्म से ही तो कईयों को दादी ने आज बताया चलन और चेहरा, सुबह को बताया चलन और चेहरा सेवा करता है। तो बीज रूप स्थिति और सेवा, हाँ बीज रूप स्थिति आपका ये मतलब है क्लास सबको, बीज रूप स्थिति राबिन अंडरस्टैंड, बीज रूप स्थिति और सेवा। अच्छा बीज रूप स्थिति में जो सेवा में सबके साथ है वो भूले क्यों, ये नहीं हो सकता है ना। फिर दादी कहती है जब ज्वालामुखी है सेवा के हाथ सारा भस्म हो जाए हमारा पुराना। और ये देखा अभी आइसलैंड में देखा जहाँ तक ज्वाला होती है ना ध्यान जाता है, सामने देखो 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 ध्यान चला जाता है, ये ज्वाला निकल रही है तो ध्यान खींच हो जाएंगे ना, कहीं का ध्यान चला जाएगा ये कहाँ से आ रही है सकाश, किरणें आ रही है सकाश आ रही है शीतलता आ रही है, कहाँ शीतलता भी आ रही है। मैंने देखा कोई कोई ठंडा ठंडा पानी, कोई गरम गरम पानी, कोई कैसे कैसे पानी, हाँ आइसलैंड में बहुत अच्छा देखने को मिला था, आपको पता है ना पहाड़ों के बीच में इधर से उधर उधर से उधर, तो ये अनुभव होगा सबको ऐसे दादी। तो कर्म पहले अनुभव कर रहे हैं ना, अभी भी अनुभव में जा रहे हैं दादी हम लोग उसी स्थिति में स्थित है। तो पहले रहा कुट कुट करके पर कहो आत्मा समझना, चेक करना देह अपमान कभी आया तो क्या होता है, फ्री है तो क्या होता है, देह अपमान होता है तो क्या होता है स्थिति, देह अपमान से फ्री है तो क्या स्थिति है। दादी मैं एक बात कहती हूँ, एक है अपन को आत्मा समझना,
दूसरा असरीर स्थिति में रहना। जैसे आप गुम हो जाएंगे, डेढ़ सालिस हो जाएंगे ना, एक मैं आत्मा हूँ तो अंदर चली गई, फिर समझ है, सिमरती है, पर साइलेंस बड़ी स्वीट लग रही है आत्मा को, बाबा के साथ है, बड़ी स्वीट साइलेंस है। जब बाबा के प्यार में समाई पड़ी है तब ज्वालामुखी पकड़ कोई पता भी नहीं है क्या जाने, पहले स्वीट साइलेंस में बाबा के प्यार में समाए पड़े हैं, फिर डेढ़ साइलेंस शरीर यहाँ है, मैं बाबा के साथ बैठ गई, आत्मा अभिमानी होंगे तब आत्मा ये बाप के पास पहुँचेंगे, बाबा के पास पहुँचेंगी, घर में बैठेंगी, बाबा के साथ घर में रहने का रस बैठेगा। घर आत्मा या शरीर से अलग हो, देह भाव से परे है, बाबा के प्यार में है, घर में बैठी है, समझ रहे हैं ना, ज्ञान यही है ना। पहले तो आत्मा शांत हो गई, बाबा ने कहा बच्चे आत्मा हो तुम, आत्मा हो तुम, आत्मा हो, फिर बाबा का प्यार मिला, प्यार में अंदर समा गए, प्यार को सब, बाबा के प्यार को समाया अंदर, फिर समेटने की शक्ति भी आई, फिर शांत तो आप ही होता है, कोई बड़ी बात है थोड़ी। फिर दिल कहता है मैं बाबा के पास घर में चलूँ ना, घर बैठ जाऊँ ना, तो घर बैठेंगे तो एकदम अशरीरी स्थिति होंगी ना, प्यार भी, प्यार ने घर में बिठा दिया ना, क्या आत्मा सीधी तो नहीं गई घर में, बाबा के प्यार में बाबा के अपने घर बैठी है जैसे, तो डेढ़ साल दादी बाबा से आपको भी अनुभव है ना, यहाँ बैठे हैं हमको पता ही नहीं कितना समय हो गया, अभी भी हम बाबा के सामने बैठते हैं, अभी सब बैठे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं ना स्वीट साइलेंस का, डेड साइलेंस का। तो पहले साइलेंस में शांत हो जाए, फिर स्वीट साइलेंस, फिर डेड साइलेंस, ऐसे लगेगा अभी विद्या मुक्त हो गई, विद्या ही और मुक्त हो गए। ओके, फिर ऐसी स्थिति जमाने वाले की जो है ना, वो परवाह, जिसको पहले नहीं कहते परवाह, बहुत अच्छा हो गया वायुमंडल, परवाह इतना अच्छा हो गया जो अभी किसी का हिलने का दिल नहीं करता है, बैठे हैं, वो परवाह पहुँचेगा ना, ये कहाँ से, एक नहीं ये सारा परिवार, बाबा कहता था ना कराची में, ये सब तुम्हारे संगत, ये साक्षात्कार होगा, ये सभा का ये साक्षात्कार जब सभा का होगा तो दुनिया वालों का दुख भूल जाएगा, उनको दुख भूल जाएगा। तो ज्वालामुखी स्थिति जैसे आपके ड्रामा अनुसार दादी का पार्ट है, जयंती शक्ति भवन में, जो शक्ति भवन में अनुभव हुआ दृष्टि का, शक्ति भवन वाली बैठे बैठी है, ये दृष्टि का अनुभव, बाबा की दृष्टि में समाने का, पहले दृष्टि लेने का, दृष्टि में समाने का, उस दृष्टि से औरों का, कल्याण करने का भाग्य मिलेगा। अच्छा भी पूछो, ये ठीक है बहने बताओ, भाई बताओ, हाँ ठीक है मोरेन, ये जस्ट मिनट में ये चाहिए ना बातें, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, मिनट में साले कैसे होंगी, ये अभी से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं सभी आप, और दूसरों को भी करें। कई लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं
कि आप कहते हो कि एक मिनट, तो सिर्फ एक मिनट में क्या हो सकता, एक मिनट तो बहुत ही कम समय है, तो उसका क्या फ़ायदा है? आप कुछ उस पर बताएंगे कि एक मिनट का क्या फ़ायदा हो सकता? क्या होता है कि जब एक मिनट भी उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, शरीर से परे और आत्मा जैसे अपने स्वधर्म में शांति में स्थित हो जाती है, तो भले कुछ भी एक सेकंड पूरा हो भी जाता है, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है एक मिनट का, वो काफ़ी चलता है। जैसे कोई खुशी की बात है, खाना हम खा रहे हैं, बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, खा तो लिया, वो तो एक सेकंड होगा, अंदर खाया और ख़त्म, लेकिन उसकी टेस्ट जो है वो बार बार हमको उस तरफ खींचती रहेंगी, अनुभव की तरफ। तो ये भी साइलेंस एक मिनट भले करते हैं, लेकिन एक मिनट का अनुभव हमको सारे दिन में बार बार खींचता रहेगा। कोई भी अच्छी चीज़ होती है, छोटा बच्चा होता है, उसको आम बहुत अच्छा लगता है, बार बार उसको आम भी आम सामने आएगा, खाएगा भले एक बार ही, तो ये प्रभाव होता है इसका। इसलिए हम भी साइलेंस में बैठते हैं एक सेकंड भी, तो परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है ना, उसका प्रभाव फिर सारा दिन चलता है, लेकिन कभी मर्ज रहता है, कभी इमर्ज रहता है। एक मिनट के लिए आपको कुछ कहना है? हम लोगों को तो ये इजी है, क्यों कि संकल्प चलना या न चलना ये मन का काम है, लेकिन मन के मालिक कौन? मालिक तो मैं आत्मा हूँ ना, जैसे सर्वेंट हो कोई, उसको जो ऑर्डर मैं करूँगी वही मानेगा ना। तो मन मेरा है, मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है। जब मेरा मन है तो मैं मालिक हूँ ना मन की, तो मालिक कभी भी मन को ऑर्डर करे बस साइलेंस में जाना है, क्यों नहीं मानेगा? अगर मालिक ठीक है तो नौकर मानेगा, अगर मालिक ही कमज़ोर है तो नौकर मालिक हो जाता है, मालिक नौकर हो जाता है। एक मिनट में बोलती हूँ ये हमारी चिट चैट सब सुनेंगे ना, आज है ही चिट चैट ना, तो दादी बोले ना, क्यों नहीं बोले? दादी व्यर्थ संकल्प चलता है, सो भी एक मिनट में, जिस दादी ने कहा ना वो चलता है। वेस्ट थॉट्स की तो स्पीड और ही तेज होती है, वो तेज हो जाती है, वो तो शांत होना मुश्किल है फिर। जब तक हमको वेस्ट से नेगेटिव में भी नहीं लेके गया है ना, तब तक वेस्ट छोड़ेगा नहीं। इसलिए एक समझदारी का काम है, एक बारी भी नेगेटिव तो बिल्कुल जहर है, वो तो अमृत पीने नहीं देगा। नेगेटिव का अमृत में एक जहर का ड्रॉप भी पड़ा तो खतरनाक है। इतना संभालना है हमको ना, उसको फौरन ही चेक करके चेंज कर देना नहीं चाहिए। इतना बाबा के बच्चे हैं, इतना तो अकल हो। जयंती पता है उसने कहा, पीटर ने जब आप चार संकल्प बताए थे तब तो ध्यान है, किसी को कहा था चार प्रकार के संकल्प होते हैं, तुम ध्यान रखो, याद है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव तो जहर है, पॉजिटिव अमृत है, इतना डिफरेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव में। परंतु वेस्ट संकल्प जो है ना, कितनी एनर्जी खलास करते हैं, बनने नहीं देते हैं। एनर्जी जो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से बनती है, वो वेस्ट से बनती नहीं है और ये खर्च होती है। नेगेटिव चलो सारी खत्म कर देगा, डेंजर है, पर एनर्जी कहो एनर्जी नहीं है,
आप एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे में कहाँ से, मैं सिख साखी और कहती हूँ, जरा भी वेस्ट को अलाउ नहीं है। जहाँ किस हरे का पाठ अपना है, इसमें शांति है प्यार, शांत रहना हमारा काम है, प्यार देना मेरा काम है, बाकी उसके चिंतन में रहना मेरा काम नहीं है। तो न सिर्फ पॉजिटिव, न सिर्फ पर पॉजिटिव में पावर हो, शुद्ध श्रेष्ठ भावना हो, ऐसा संकल्प हमारे लिए फायदे वाला है, बाबा के काम के हैं, नहीं तो मैं फेल कर बाबा के काम की नहीं हूँ। बाबा को काम कर, काम वाले बच्चे चाहिए जो इतने में ऐसा काम करे जो बाबा ने दिया है उनको दिखाई पड़े। तो जब अगर हमारे अंदर में न सिर्फ मैं पॉजिटिव ख्याल कहती हूँ पर इतना संकल्प में शक्ति हो जो बाबा ने शक्ति भरी है, ज्ञान दिया है, योग युक्त रहे हैं, और किसी की आत्मा के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, सब घर जा रहे हैं, जिसको चलना है सो चले, नहीं तो हम जा रहे हैं। अगर इस स्मृति से हम संग, तो बाबा ने कहा ना स्मृति में रहो, स्मृति दिलाओ। मैं क्या स्मृति दिलाऊं, जो मेरे स्मृति में होंगे ऑटोमेटिक स्मृति आएंगी। जैसे मैं आपको देखती हूँ ऑटोमेटिक सबको बाबा की स्मृति आती है, आपको देखते सबको बाबा याद आता है, मेरे को देखते तो नहीं आता था। आपको देख के मुझे आपके जो स्थिति है उसका वाइब्रेशन तो नहीं, नहीं। दादी हम सीखती है इसको देख करके बाबा याद आता है, मेरे को याद दिलाना पड़ता है, उसके लिए स्थिति ऐसी बनानी पड़ती है बाबा याद आ जाए। नहीं, आपको याद में अगर रहते हो नहीं दादी, एक तो याद का जो सही बात है, जो सही बात है, मैं दादियों को आगे रखती हूँ, मैं पीछे पीछे हूँ, परंतु बाबा की याद दिलाना, आपको देख करके याद दिलाना नहीं पड़ता, याद आती है, पार्ट है ना, पार्ट है, विशेष पार्ट है, सीखती हूँ। पर जितना इनको देख करके बाबा याद आता है, मेरे को देख कर क्यों ना आवे। आपको देख करके सब सावधान हो जाएंगे, अलबेलापन नटखट सब खत्म हो जाते हैं, दादी को देख के नहीं होता है। दादी सुनो, ये रीस नहीं है, रीस नहीं है, परंतु आपके पाठ की विशेषता इतनी है जो मेरे को रिसका नहीं पड़ती है, अच्छी है ना। तो मैं कहेंगी इनको सबको बाबा की याद रहे, और कोई देहधारी की याद आवे नहीं, न देहधारी हमको याद करे, हमको भी याद न करे, वो करेंगे तो बाबा याद नहीं करेगा, याद में रह नहीं सकेंगे, याद की खुशी आएंगी नहीं। आज बाबा की मुरली में तो खुशी आवे, खुशी आवे, खुशी आवे, खुशी आएंगी नहीं, अगर खुशी आएंगी नहीं तो ये तो खुश रहे तो खुशी आवे, उसके लिए याद कैसी होंगी। तो दादी आप सब खुश रहे और सबको खुशी देख करके पूछेंगे आप खुश कहाँ से रहते हो, भाई पूछने की क्या बात है। ओके, ये है ना तो आपका जयंती पत्र। जी, चेहरा लाल हो जावे ना सबका। समझा क्या करने का मैं बाबा व्यर्थ को अलो नहीं है, व्यर्थ को अलो नहीं है, नहीं वो तो साधारण को भी अलो नहीं, हमारे डिक्शनरी में व्यर्थ शब्द है ही नहीं। पर दादी साधारण संकल्प भी जो है ना महान बनने नहीं देता है, और ये भी चेक करना पड़ेगा साधारण संकल्प में स्थिति कोई महान तो नहीं बनती है। साधारण सुनना, साधारण बोलने, तो स्थिति तो भाई ऊंची दूर हो गई। हम साधारणता में समय दे रही हूँ
तो बाबा जो समय की चेतावनी देता है, तो साधारणता में मेरा अगर बहुत समय गया तो महान स्थिति बनना तो बहुत दूर हो गई। पर अब भी लगता है जो कल आने वाला समय है, सेवा को तो अलग करती हूँ, मेरी स्थिति का हाल क्या होगा। अब भी साधारण है, किसी का साधारणता कभी भी हमको व्यर्थ में ले जाती है जिसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। संकल्प के लाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक का पाठ अपने समय नूदा पर है, जो होगा सो अच्छा होगा। हाँ बोलो एक। स्पष्ट होगा ना, सबका साधारणता चली जाएंगी ना। हाँ बोलो। एक अभी मैं प्रश्न तो बहुत सारे हैं परंतु एक लास्ट प्रश्न मैं पूछनी चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि दादी को बुलावा हो रहा है। नहीं, दादी को कौन बुलाएगा, ठहरो ठहरो, ये ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा। नहीं, दादी का बुलावा हो रहा है। बुलावा, अब बोलो बोलो। अभी दादी, बाबा ने आपको ये वरदान दिया था और आपने आज सवेरे क्लास में भी वर्णन किया कि आपकी नैनो द्वारा बहुत सेवा होंगी और आपकी लिखने से भी बहुत सेवा होंगी। तो आप संदेश लिखते हैं तो विश्व की सेवा हो जाती, परंतु जो नैनो की भाषा है, बाबा नैनो की भाषा हमको क्या सिखाने चाहता? नैनो की भाषा जो हमारी वृत्ति होती है, स्थिति होती है, वो नैनो से प्रत्यक्ष होता है। मानो कोई क्रोध में है, बोले भले नहीं, लेकिन उसके जो क्रोध के वाइब्रेशन वायुमंडल है अंदर, वृत्ति है, वो बोलने के बिना ही नैनो से पता पड़ता है आज ये जोश में है। तो नैन जो है वो अंदर की वृत्ति जो है वो प्रसिद्ध कर देते हैं। तो हमको बाबा ने जो वृत्ति दी है वो दी है एकदम आत्म अभिमानी की। तो आँखों से भी नैनों से वो जो स्थिति अंदर की है वो वाइब्रेशन दूसरों को भी पहुँचता है। तो दृष्टि की तो बड़ी महिमा है, क्योंकि दृष्टि से ऋषि मुनि जो थे वो दृष्टि से सांप को भी शांत कर देते थे। तो हमारी दृष्टि तो परमात्म दृष्टि है, उसमें तो बहुत ताकत है। सत्युग के नैनों की भाषा कुछ अलग होंगी और संगम युग में नैनों की भाषा कुछ अलग है। सत्युग की जो भाषा होगी वो होंगी खुशी सुख प्राप्तियों की, और अभी जो हमारी परमात्म प्राप्तियों की खुशी है उसमें रात दिन का फर्क। वो प्रकृति के साधनों की खुशी होंगी और ये परमात्म प्राप्तियों की खुशी है, इसमें बहुत अंतर है। वो तो कामन खुशी हो गई, लेकिन ये अभी संगम युग की जो खुशी है वो परमात्मा द्वारा जो प्राप्त होती है, रोज वरदान मिलता है, रोज बाबा लक्ष्य देता है, स्लोगन बताता है, उसकी प्राप्ति और मनन करने की जो खुशी है वो अलग। जबकि आपको साइलेंस का अनुभव रहता, सूक्ष्म वतन की साइलेंस और परम धाम की साइलेंस का अंतर है? सूक्ष्म वतन में तो फिर भी एक्शन है, मिलना है, बात करना है, सब कुछ है उसमें, लेकिन मूवी है, टॉकी नहीं है, मूवी है और फरिश्ते रूप की है। लेकिन परम धाम में तो शरीर ही नहीं है ना, सिर्फ आत्मा है। तो आत्मा अपने स्वधर्म, जो ओरिजिनल आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस, उसमें टिकती है। वो साइलेंस और प्रकार की है, ये साइलेंस सूखे वतन की,
तो कारोबार भी सारा चलता है। ब्रह्मा बाबा सुखिया वतन में बैठ कर के सारे कारोबार करा रहे हैं, तो वो और उसमें फर्क। दादी कुछ कहने चाहती? बोलो ना दादी। दादी बाबा कहते हैं थोड़ा मंथन करो। मंथन करके आपकी भी गिफ्ट आने और जाने की, साइलेंस की, हमको उस स्थिति को समझ के जमाना है। समझ से जो स्थिति जमाते हैं ना, तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होती है। जैसे कोई बात की, जैसे आपने कहा कोई टेस्ट बैठी, आम की टेस्ट बैठी, पता है आम क्या चीज़ है, वैसे ही हमको ये टेस्ट बैठे। यहाँ रहते हुए मैं घर में चली जाऊँ, मुझे थोड़ा समय घर में जाना है, वो जो रेस्ट है घर की, और आत्माएं जाएंगी घर में, वो तो पाठ पूरा हो गया। हमारा पाठ यहाँ से पूरा हो करके नए सिर्फ चक्कर में आने का, 84 के चक्कर में पाठ रहा है। इतनी शांति स्वीट होम वाली हमारे अंदर हो, घर की शांति अभी हमारे होंगी तो घर का रास्ता बताएंगे। अगर हमारे के घर की शांति मेरे में नहीं होंगी, तो आपके दृष्टि से जैसे घर का रास्ता बता रहा है। बाबा से दृष्टि जब मिलती है, हम घर चले जाते हैं बाबा के पास, फिर वतन में आते हैं बाबा के पास। मिलने का करंट जो आती है ना, घर से आती है ना। अब समझ रहे हो मेरी बात को? अटेंशन दो। करंट आएंगी घर से, सुखे मतन आएगा मिलन। मिलन की जो भाषणा आई, कुछ बाबा ने मुझे अच्छी ऐसी हल्का कर दिया, मैं समझ लिया, मैं बाबा के पास बैठ गई, बाबा मेरा हो गया। अंदर से दिल में जो कुछ भरा हुआ था खाली हो गया। ये वर्णन आकर यहाँ करेंगे, परंतु अगर ये भी बहुत भाग्य है जो या उलझन से निकल गए, बाबा से मिलन मनाने शुरू कर दिया। ये भी अकल चाहिए ना, उलझन में टाइम गमाना, किसी भी प्रकार की उलझन आई फंसा देती है ना, जैसे मकड़ी जाल में फंस गई, परंतु मिलन मनाने में चले गए, उलझन चली गई। कोई भी प्रकार की उलझन पता नहीं था ही नहीं कुछ, उस ड्रामा की जो नॉलेज है ना दादी। 3 दिन पहले हम लोगों ने सुबह को जो मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ ना, आत्मा परमात्मा ड्रामा, मैं आत्मा हूँ बाबा मेरा ड्रामा एक्यूरेट है, सेकंड में शांत चुप। बाबा ने आज कहा ना स्टॉक और स्टॉप, हाँ का अभ्यास, तो वो जो अंदर से ताकत सदा बनती रहे बनती रहे बनती रहे, कोई घड़ी ऐसी ना आए जो मैं समझूं अभी मेरा थोड़ा ढीलापन शुरू हो जाए। जिस घड़ी ढीलापन शुरू हुआ तो मन कर्म इंद्रियां शरीर संबंध समस्याएं मुझे ढीला बनाएंगी। परंतु कुछ भी हो जाए, अंतर के निमित्त भाव बाबा ने निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनने वाले को हर हालत में ध्यान रखना है। अगर ज़रा सा मेरे में ढीलापन आया तो मैं डाउन होती जाएगी। पर मैंने देखा बाबा भी नहीं संभालता है, क्यों? बाबा ने समझाया है, बच्चे तुमको शांति से काम लेना है, प्यार से लेना है, संयोगी रहना है, ये करना है, मुझे समझ से चलना है। तो संबंध में व्यवहार में ये है, वो उसमें अंदर से जो साइलेंस शक्ति, घर की शांति और शरीर बनाएंगे ना। पर वतन में बाबा से मिलन मनाने का अकल चाहिए ना,
शांत रहने की अकल नहीं चाहिए, शांत रहने का अकल नहीं है जिसको, वो मिलन नहीं मनाता है। बाबा से मिलते हैं उस घड़ी का सुख है, नंबर वार है, पर सदा मिलन मनाता रहे संगम युग पर, तो हमारे जो मिलन का सुख और को अनुभव होगा ना, हमारे मिलन का मिल, जैसे कहीं है दादियों को हम बाबा कहता है, दादियाँ बाबा से मिलती है तो सब खुश होते हैं, मिलती हम है खुश सब होते हैं, क्यों? ये जो मिलन मनाना है ना, इसका महत्व बहुत है ना, तो संगम की घड़ी है मिलन मनाने की। उसके बाबा ने कहा सत्युग तो उतरती कला है ना, आज तो बाबा ने कहा पॉइंट्स भी पूरी हो जाएंगी, अभी पॉइंट्स जो बुद्धि में रखते रहे ना, अभी पॉइंट भी पूरी हो गई, अभी आए आ गए पॉइंट पर, पॉइंट पर आ गए तो इतना तो अंदर से हो ना, घर रहने वाले हम आत्मा है, मिलन मनाते 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 बाबा के समीपता का सुख, समीपता का सुख औरों को समीप लाने में मदद कर रहा है ना। तो ये जो सुख्यम जो है ना अपना, मैं तो बात दादी जैसे अभी बाबा के, मैंने आपको बताया ना एक बुक मैंने पढ़ रही हूँ, अच्छी स्टडी किया है ना, तो समीपता का जो सुख है बाबा से, वो अंदर सुख्यम बिल्कुल जैसे बाबा चाहता है ना मेरा सुख्यम ऐसा हो। तो पूछा सुख्यम क्या है, सुख्यम लाइट है, माइट है, वाइट है, और क्या है सुख्यम? अपने ठीक है, लाइट है, वाइट है, प्योर है एकदम, माइट है। जब तक नहीं है सुख्यम ऐसा, तो ऐसा सुख्यम अपने आप को स्वीट होम में आते जाते बाबा से मिलन मनाते मनाते फिर घर चले ना। एक तो घर जाना, दूसरा सारी विश्व के आत्माओं को ये परवाह मिले भाई हम सब घर जा रहे हैं, तो दुख का आवाज़ किसका ना निकले, और यहाँ भी हमारे पास किसका दुख का आवाज़ निकला, मिलन नहीं मनाता है। शांत रहे प्रेम स्वरूप, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, ये भी बाबा एक वरदान मिला, समझा सुना, समझा अभ्यास किया तो अभी सदा के लिए आदत ही बन जाएंगे। ओके, नेचुरल हो जाएंगे जी, नेचुरल नेचर हो जाएंगे ना। तो घर का अनुभव होना चाहिए ना, कहाँ का रहने वाले हैं, वतन का भी होना चाहिए, वतन का मिलन मनाना चाहिए। तो मिलन मनाने वाले झमेले को नहीं जानते हैं, जाऊँगा मेला जाऊँगे झमेला अभी तो झमेले को समझ गए हैं सभी। क्या मैंने कहा, ये तो सभी झमेला क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है, उसे न होने से फायदा क्या होता है, वो समझ गए हैं। समझ गए हैं, अच्छा समझ गए हैं ना सभी, अभी तो बड़े हो गए अच्छा दादी कल सवेरे जा रही है, मैं शाम को जा रही हूँ, आप कल सवेरे जा रही है अमेरिका, मैं शाम को जा रही हूँ, शाम एक वेस्ट एक ईस्ट, इसलिए एक दादी जा रही है वेस्ट अमेरिका, दूसरी दादी जा रही है ईस्ट एशिया की तरफ, तो ये सब छुट्टी ले रहे हैं हम, और तब आप जब आएंगी ना देखेंगे सब कैसे है, बाबा को बताना। नहीं हमने देखा है, जब भी हम आए हैं तो फर्क होता ही, हमको तो फर्क लगता है नहीं, आप में फर्क नहीं है, चढ़ती कला है फर्क तो होगा ही, ये सभी इसी लक्ष्य से ही तो बैठे हैं कि हमको बाप समान बनना ही है, बनेंगे नहीं, बाबा कहते गे नहीं करो, देखेंगे बनेंगे,
सोचेंगे नहीं, करना ही है बस। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, करना ही है, छोड़ना ही है। दोनों दादियों को दिल से बहुत बहुत थैंक्स। सुख सा